Assalam-ul-Alikum friends, मैं हूँ मोना नाज. आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे. सेब हमारी सेहत के लिए वैसे भी बहुत मुफीद होते हैं. अगर इसको निहार मुंह खा लिया जाए तो हर बीमारी से महफूज रहते हैं. इसका मुरब्बा भी तैयार किया जाता है जो सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है और दिल के लिए बहुत ताकतवर होता है. आज की रेमेडी में मैं आज आपको सेब का पैक तैयार करूंगी जो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा. वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके. फ्रेंड्स, हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं. हमें एक मीडियम साइज का एप्पल चाहिए. अगर बड़ा है तो उसको हाफ कर लें. मैंने इसको इस तरह हाफ कर लिया. हमें जो मार्क्स तैयार करना है इतना हमारे लिए काफ़ी है. इतना हमने कर लिया है और अब हम इसको कश करेंगे. इसके छिलके को ऐसे रहने दीजिएगा. इसका हम सिर्फ हमें वाइट गूदा चाहिए जो इसके अंदर मौजूद है. हम इसका या फिर आप इसका सबसे इजी तरीका इसका छिलका उतार लें ताकि आपको इसका गूदा आराम से कोई परेशानी ना उतार लें. फ्रेंड्स, आपको पता है जैसे सेब के अंदर पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन वाफर मिकदार मौजूद होता है. इसमें विटामिन ए बी सी भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो हमारे सेहत के लिए भी और अभी जो मैं स्किन मार्क्स बताऊंगी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है. अब मैं इसको कश करके सब गूदा निकाल लूँगी. ये फ्रेंड्स, मैंने इसको कश किया और इसका इस तरह हमने तरह निकाल लिया है. ये देखें, तमाम हमने इसको अच्छे से निकाल लिया है. ये जो मैं मास्क तैयार कर रही हूँ ये हमारे रिंकल्स, पिंपल्स और हमारे जो टू टोन स्किन हो जाती है उसको एक लेवल में लाएगा और हमारी जो सन टैन हो जाती है स्किन उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है. दाग धब्बे दूर करेगा और सबसे बढ़कर ये एक्नी को ख़त्म करेगा और ये हमारे स्किन पे ग्लोइंग लाएगा बहुत ज़्यादा. अब मैंने इस तरह, ये आपको बताई, मैंने इस तरह कश कर लिया. अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, अब इसमें मैं आधा चमचे करीब शहद ऐड करूँगी. हनी आपको पता है हमारे बहुत इसके तो बहुत बेनिफिट हैं हनी के, पर एक सबसे ज़्यादा है कि ये आपकी एज को आपकी छुपाता है. यानी एजिंग वो है, ये आपकी स्किन को टाइट करेगा. ये हमने आधा चमचा हमने इसमें हनी ऐड कर दिया है. हनी ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब हमने इसमें आधा चमचा टीस्पून के करीब हमने शहद ऐड कर दिया है, आधा ये एप्पल है. अब हम इसमें लेमन ऐड करेंगे. लेमन भी हम समझे आधा टीस्पून के करीब हम इसमें लेमन ऐड करेंगे. आपको लेमन के भी फ़ायदे मैं अपनी जो वीडियोस बना चुकी हूँ उसमें बता चुकी हूँ इसके भी कितने फ़ायदे होते हैं. हमारी स्किन पे दाग धब्बे दूर करता है बहुत ज़्यादा, इसके भी बेनिफिट है. अच्छा, मैं इसमें आधा चमचा लेमन ऐड करूँगी. मैंने अब इसमें लेमन भी ऐड कर दिया. अच्छा, जिनकी बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई स्किन है तो वो इसमें रॉ मिल्क यानी फ्रेश मिल्क भी एक चमचे के करीब, एक चमचे जो टेबल स्पून होता है उसके करीब आप इसमें रॉ मिल्क भी ऐड कर सकते हैं जिनकी ओवर ड्राई स्किन है. या आपकी मर्जी, स्किप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है. अगर वैसे भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, अगर जिनके ओवर ड्राई वो तो लाजमी ऐड करें. अच्छा, इसको लगाने का तरीका कैसे है फ्रेंड्स, अब ये सब मिक्स हो गया. आधा सेब मैंने इसका अच्छे से गूदा वाइट हिस्सा हमें चाहिए, छिलका नहीं चाहिए. छिलके को हमने इस तरह ये कश करके मैंने अलग कर दिया है. उसके अंदर हमने आधा चमचा शहद ऐड किया है और लेमन ऐड किया. अब इसको किस तरह अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ. इसको हम अपने फेस पर इस तरह अप्लाई करेंगे. अप्लाई करके इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे. तमाम जितना भी हमने चीज़ें इसमें ऐड की हैं इस तरह करके हम इसको इस तरह पूरे हाथ पे इस तरह अप्लाई करेंगे. आप ये लगाएंगे, आप यकीन, इसको 20 मिनट आप
इसको 20 से 15 मिनट आप इसको छोड़ दें, तमाम में जितना मटेरियल इसको लगा के इसको ड्राई होने दें। उसके बाद साफ पानी से, सादे पानी से इसको साफ कर लें। हफ्ते में 2 बार इसको इस्तेमाल रखें। दिन हफ्ते में आपकी स्किन ग्लोइंग, चमकदार, रिंकल्स ख़त्म और एक्नी जिनका प्रॉब्लम है वो आपके सब दूर होती चली जाएगी। आप खुद हैरान रहेंगे आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग करेगी, कलर भी फेयर आएगा। अब हम इसको 20 मिनट के बाद इसको हम वॉश कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने 15 से 20 मिनट बाद हाथ वॉश कर लिए हैं। अभी मैंने एक दफ़ा ही किया है तो आपके सामने रिजल्ट मौजूद है। स्किन बहुत ग्लोइंग कर रही है, बहुत सॉफ्ट हो गई है। इसी तरह आप इसका हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके एक्नी प्रॉब्लम भी दूर होगी, पिंपल्स भी दूर होंगे और जितने रिंकल्स पड़ गए, दाग धब्बे, ब्लैक कलर के जो स्पॉट आ जाते हैं, और आपकी स्किन उम्र से पहले, आप बाज़ दफ़ा होता है बाज़ ख़वातीन ज़्यादा धूप में या चूल्हे के आगे ज़्यादा सन ब्लॉक ला के नहीं इस्तेमाल करती हैं, फेस अपना चूल्हे के आगे ज़्यादा काम होता है तो उनकी ज़्यादातर स्किन पे झुर्रियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं। उन सब प्रॉब्लम के लिए एक ही हल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और वो ख़वातीन भी करें जिनकी एज बढ़ रही है। शहद हमने इसमें ऐड किया है, शहद आपकी स्किन को टाइट करेगा। आपको वैसे भी हनी का बेनिफिट्स पता है कितने फ़ायदेमंद है, तो फ्रेंड ज़रूर ये अप्लाई करें। मुझे ज़रूर इसके बताइएगा कमेंट करके, हमने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर मेरी रेमेडीज शेयर किया करें ताकि सबको इससे फ़ायदा हो। मेरा इंस्टा पे भी मेरा पेज है, वहाँ भी मुझे फॉलो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please subscribe this channel and press the bell icon and like, comment, share this video.